बंगाल असम में आए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा खुलासा। एनआरसी के डर से बंगाल असम से अपने देश से भाग रहे हैं बांग्लादेशी। जी हां, एक और जहां देश भर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अवैध रूप से भारत में घुसे कई बांग्लादेशी अपने देश लौट रहे हैं। नया नागरिकता कानून आने के बाद से पश्चिम बंगाल और असम से लगी भारत बांग्लादेश सीमा पर हलचल तेज हो गई है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक, बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर के मुताबिक, सुरक्षा बलों ने सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं करीब 268 बांग्लादेशियों को हिरासत में ले लिया है। यहां तक कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश भी बंगाल से जुड़ी पेट्रोपोल सीमा पर 60 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए लोगों के बाद बांग्लादेश के जेनाइदा में महेशपुर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की ओर से जनवरी के पहले सप्ताह में बयान सामने आया था कि भारत की सीमा पार कर बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। 445 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बयान के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बहस और तेज हो गई है। बीएसएफ मेघालय फ्रंटियर के मुताबिक, अभी तक मिले इनपुट से यही लग रहा है कि एनआरसी की खबर से भारत में अवैध तरीके से घुसे कुछ बांग्लादेशी अपने देश लौट गए हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अर्थव्यवस्था सुधार की वजह से भी बांग्लादेशी अपने देश में वापस लौट रहे हैं। बंगाल बीएसएफ का कहना है कि पिछले एक महीने में अवैध बांग्लादेशियों का रिकॉर्ड स्तर पर लौटना यही संकेत दे रहा है कि इस ट्रेंड के पीछे एनआरसी ही है। जनवरी महीने में ही अवैध तरीके से बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे 268 लोगों को हिरासत में लिया गया। एक महीने पहले बेंगलुरु में भी घुसपैठियों को उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब वे पश्चिम बंगाल पहुंचने के लिए एक लोकल रेलवे स्टेशन जा रहे थे, मगर उसी वक्त पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। एनआरसी के डर से वे बांग्लादेश की तरफ जा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिरासत में लिए गए कुछ लोग भारत में करीब 5 से 12 साल रह रहे थे और दो के पास भारतीय दस्तावेज भी मौजूद थे। बसीरत में गोजर दंगा बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात एक बीएसएफ अधिकारी के मुताबिक, बीएसएफ ने कुछ दिनों पहले 3 एजेंट को हिरासत में लिया था और उन्हें पुलिस को सौंप दिया था। दिसंबर महीने में इन एजेंटों ने करीब 30 बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेजा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।